हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फेवरलोवा घड़ियों की लॉट। इसमें सारी घड़ियाँ तकरीबन फेवरलोवा की हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो हमारी ये वीडियो पहुँच सके। और जो भाई ख़रीदना चाहते हैं विंटेज वॉचेस, वो ख़रीद सकें, और जो भाई बेचना चाहते हैं वो अपनी विंटेज वॉचेस को बेच सकें। तो इसलिए आप प्लीज़ पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सब कीजिए, जिससे कि हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जितनी भी मैं आपको घड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन सारी फेवरलोवा की हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता चलता हूँ, फिर उसके बाद में आपको जो भी चाहिए वो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, मैं आपको उसका प्राइस बता दूंगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ इससे। यह है फेवरलोवा की घड़ी। ठीक है, यह बेहतरीन कंडीशन है, आपके सामने है, 17 ज्वेल साइड एडिट है। जो मैं दिखा दूंगा वो मैं साइड में रख दूंगा, फिर उसके बाद में उसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। तो आपको जो चाहिए आप उसको मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। ओके, एक ही हो गई, मैं इधर रखता जा रहा हूँ दिखाने के बाद में। दूसरी ये है, आप देख सकते हैं इसका डायल जो है ख़राब है, सेकंड का कांटा भी नहीं है, ये इसका बैक है। ओके, दो हो गई। तीसरी ये है, आपको जो चाहिए उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे प्राइस पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एक ये है, ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये है, ओके, उसके बाद में फिर एक ये है, इसका ग्लास भी नहीं है, हैंड्स भी नहीं है इसको। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको मशीन खोलकर नहीं दिखा सकता। आपको जो घड़ी चाहिए हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए मुझे, मैं आपको उसको मशीन खोलकर दिखा दूँगा, उसके बाद आप ख़रीद सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद में एक ये है, इसका ग्लास घिसा हुआ है, ग्लास बफ कराना पड़ेगा आपको। ये इसका बैक है, इसमें चाबी नहीं है, चाबी भी लगानी पड़ेगी आपको, बाकी हैंड्स पूरे हैं। उसके बाद में एक ये है, फेवरलोवा की है ये भी, इसका सेकंड का कांटा नहीं है, प्लेन है, डेडेड नहीं है ये। ये इसका बैक है, ये इसकी चाबी है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं मुझे। फिर उसके बाद में एक ये है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो एक ये है, फेवरलोवा की है ये भी। मैं जो आपको घड़ी दिखा दूंगा वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो मैं इधर रख देता हूँ साइड में। ये देखिए, आप अभी तक मैं आपको दिखा चुका, मैंने यहाँ रख दी हैं सारी घड़ियाँ, जो नहीं दिखाई हैं वो ये हैं। तो मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी, क्योंकि घड़ियों का स्टॉक ज़्यादा है, बट मैं आपको दिखा दूंगा सब एक एक करके। उसके बाद में एक ये है, ठीक है, उसके बाद में एक ये है, उसके बाद में एक ये है,
जितनी भी घड़ियां हैं मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ, इसमें से आपको जो भी चाहिए आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए मुझे, मैं आपको उसके प्राइस बता दूंगा। आप कहेंगे तो मशीन भी खोल कर दिखा दूंगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद में एक ये है, अभी सबको खोल के दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी घड़ियां हैं, सबको खोल के नहीं दिखाया जा सकता। वो सबको खोल के दिखाने की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको जो चाहिए उसका आप स्क्रीन शॉट लेकर मुझे भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, मैं आपको उसका प्राइस भी बता दूंगा, मशीन भी खोल कर दिखा दूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं हम लोग। बाकी का अपने स्टोर पर भी मैं इसको डाल दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं। स्टोर पर मैं डालूंगा तो उसमें मशीन वगैरह सब डाल दूंगा खोलकर, उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। ये केमी की है, फेवरलॉ का बैक लगा हुआ है इसको, डायल केमी का है। इसका ग्लास नहीं है, सारी फेबरलुआ का ही लॉट है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा फेबरलुआ का लॉट है, पूरा टोटल फेबरलुआ है ये। देखने के लिए लोगों के पास एक दो पीस भी नहीं मिलते हैं, मेरे पास हाँ बहुत सारे पीस हैं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस आप उसका नाम बता दीजिए मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास जो भी स्टॉक होता है मैं बताता रहता हूँ आपको, अभी फेबरलुआ का स्टॉक आया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है, इसमें से आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको दे दूंगा उसका प्राइस, उसका मशीन वगैरह सब दिखा दूंगा, बस आपको उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना है। जो भी आपको चाहिए मैं सारे दिखा दे रहा हूँ आपको, एक एक करके, मेरे पास बहुत स्टॉक है। ये तो थोड़ी घड़ियाँ हैं, बाकी का बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉक है, वो मैं आपको सब दिखा दूँगा जो भी आपको चाहिए। इसमें से आप जो भी लेना चाहते हैं उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है मुझे और फोटो भेज देना है, मैं आपको प्राइस बता दूँगा। अगर आपके पास कोई ऐसी घड़ी है जिसकी आप सर्विस कराना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, जो आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हैं। प्राइस इसके आप पूछ सकते हैं जिसके भी आपको चाहिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेज दीजिए, मैं उसका प्राइस बता दूंगा आपको। ओके सर, देखिए मैंने तकरीबन घड़ियां आपको दिखा दी हैं जितनी भी मेरे पास स्टॉक रहता है इसका, फेबरलुआ का इतना बड़ा स्टॉक फेबरलुआ का शायद आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, और मिला भी तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, इतना स्टॉक किसी के पास भी नहीं मिलेगा आपको जितना स्टॉक मेरे पास है। सिर्फ ये फेबरलुआ का ही स्टॉक है, बाकी का और भी ब्रांड है जो भी है मेरे पास, एक क्वान्टिटी में है, बल्क क्वान्टिटी में है, तो वो मैं आपको आसानी से दे सकता हूँ सही प्राइस में। अगर आप पुरानी घड़ियों के शौकीन हैं और आप कोई घड़ी ख़रीदना चाहते हैं, पर हाँ ये घड़ियाँ जो हैं मेरे पास उसमें आपको सर्विस करानी होगी, बिना सर्विस कराए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। एक गिलास है, गिलास इसका पूरा डैमेज हो गया है, वो ख़राब हो गया है, तो वो आपको सही कराना पड़ेगा, बफ़ कराना पड़ेगा। प्लास्टिक का गिलास तो बफ़ हो जाता है, कांच का गिलास भी बफ़ हो जाता है, केस भी बफ़ हो जाता है, सर्विस भी हो जाती है, बाकी मशीन सबकी पूरी है। मशीन ऐसा नहीं है आधी अधूरी मशीन है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मशीन पूरी है इनकी, बस थोड़ा बहुत कमी है, वो आपको अपने हैंड से करानी होगी वहाँ पर सर्विस सेंटर पे, या जो भी आपके आसपास सर्विस करने वाले होंगे उनको आप देकर सर्विस करा सकते हैं। देखिए ये सर्विस आप करा सकते हैं, बाकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, सारी विंटेज वॉचेज़ हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। मेरे पास स्टॉक है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वरना आप ढूंढने जाएंगे तो मुश्किल भी नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ फेबरलुआ का इतना बड़ा स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं भी मुश्किल मिलेगा इतना बड़ा स्टॉक देखने को, क्योंकि लोगों के पास एक दो पीस हो सकते हैं मैं मान सकता हूँ, पर इतना बड़ा स्टॉक रखना बहुत मुश्किल की बात होती है।
मेरे सालों से स्टॉक किया हुआ है और लोगों से मैं ख़रीदता भी रहता हूँ, जो लोग बेचते हैं उनसे ख़रीदता रहता हूँ। तो इस तरह से इतना बड़ा स्टॉक मेरे पास हो गया है। एंटिक की घड़ी वाले उसको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं घड़ी से, तो वो बेचते नहीं हैं। और उनकी घड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सही कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी पैसे खर्च होने हो कर देते हैं वो लोग। खैर, जो भी आपको चाहिए मुझे आप बता सकते हैं, सर्विस करानी पड़ेगी बस आपको, बाकी का आपका काम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारी फेवर लो आई है तकरीबन, एक आधी पीस कोई और दूसरा ब्रांड का आ गया हो धोखे में तो अलग बात है, बाकी का सारी फेवर लो का ही मैंने स्टॉक रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको इसकी प्राइस बता दूंगा। मैं भी आपको जितनी भी घड़ियाँ दिखा रहा हूँ रिपीट कोई सी भी नहीं की है मैंने, जितनी भी हैं एक बार में एक ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा तो फिर सुबह से शाम हो जाएगी और दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं इसकी, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, ये वीडियो अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है इसको, तो डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो भी सिंपल है वो बता दे रहा हूँ। आप उसके बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि कैसी है क्या है। मैं उसका आपको फ़ोटो पूरा मशीन का वीडियो वगैरह सब बनाकर भेज दूँगा, जो भी आपको चाहिए उसका, ठीक है सर? तो उसके हिसाब से देख लीजिए आपका क्या काम का है, क्या चाहिए आपको। एंटिक में जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू, जितनी पुरानी चीज़ होती है उसकी उतनी पुरानी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो ऐसा ही है, अपने पास स्टॉक है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। ये देख लीजिए आप, यही फेवर लो है, एक ये है, कोई फेवर लो है, सभी छोटी बड़ी ऑटोमेटिक चाबी वाली सभी प्रकार की है मेरे पास। ये है, इसका ग्लास नहीं है, बाकी का ये बढ़िया क्वालिटी का पीस है। हल्का फुल्का बफ कराना पड़ेगा, सर्विस करानी पड़ेगी और ये चालू हो जाएगा। मैंने स्टोर भी डेवलप किया है, आप चाहें तो मेरे स्टोर पर जाकर भी वहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए तो उसमें आपको सब पूरी डिटेल में मिल जाएगा। बाकी का मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ये घड़ियाँ जो हैं पूरी तैयार करा के, सर्विस करा के, बफ ऑफ करा के, इसमें कांटे वाटे सब लगवा के उसके बाद में उसको ही करूँ मैं, और जब ये मैं आपको सेल करूँ। पर क्या कर सकते हैं, अभी इतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा लॉट होता है कि उसको सब कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोई सही सा कारीगर भी नहीं मिल पा रहा है। अभी एक दो कारीगरों की जुगाड़ हुई है तो उनके पास भी काम बहुत रहता है, पुराने कारीगर बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस टाइप के जो पुराना काम करते हैं, पुरानी घड़ियों को सर्विस करने वाले कारीगर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं आपको बहुत पूरा तैयार करा के भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो, पर उसके लिए टाइम लगता है बहुत। ये फेवर लोहा है या बेस्टन है जो भी है, मैंने तो आपको तकरीबन जो भी मेरे पास लौट आती है मैं आपको वैसा का वैसा ही बता देता हूँ, उसमें कुछ भी साफ़ सफाई कुछ ऐसा एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। आपको जो भी चाहिए होगा तो आप उसके हिसाब से मैं बता सकते हैं, बाकी का अगर सही कराने की बात है तो मैं सही करा सकता हूँ बाद में। इसका बैग खुल गया है, बैग देखना पड़ेगा इसका कहाँ है, ये फेवर लोहे का ही है, ये इसका मशीन है, बैग इसका खुल गया है, बैग बाद में देख लेंगे। ये सारी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको एक बार, आपको क्या चाहिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बाद में से भेज दूँगा, जो भी आपको चाहिए। तो जो भी मेरे पास है अभी रिसेंटली मैं आपको सारी घड़ियाँ बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि किस किस तरह की ये घड़ियाँ हैं मेरे पास और आपको उनसे क्या चाहिए। फेवर लोहा का इतना बड़ा लॉट है, बहुत बड़ा, सभी तरह के डायल हैं इसमें, जो भी है आपके सामने है। मशीन मशीन भी मैं सब खोल कर दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, पर अभी सबकी मशीन खोल कर दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ये देख सकते हैं आप। मशीन इसकी पूरी है, पार्ट्स पूरे हैं, सभी घड़ियों के मशीन के पार्ट्स पूरे हैं, बस खाली सर्विस ही होनी है, सर्विस होनी है और ग्लास व्लास जो है वो बफ होना है, बस इतना ही है।
ये तो केमी है, फेबर लॉ का बैग लगा हुआ है इसको। ये फेबर लॉ है, ठीक है सर। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ओवरव्यू करके, इससे आपको समझ में आ जाए कौन सा है। मैंने आपको सब एक एक करके दिखाई हैं, बाकी का आपको उसमें से कोई भी चाहिए हो तो मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, मैं आपको बता दूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।